अ 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर। तो ये देखो आपका है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इसके दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी साइड और एक है आपका सेकेंडरी साइड। 220 वोल्ट इज अप्लाइड एट द इनपुट, द आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मतलब आउटपुट जो करंट है सेकेंडरी का वो 2 एम्पियर है। एट अ वोल्टेज कितना है 440 वोल्ट। इफ़ द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80%, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग। तो आई पी का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये आई पी निकालने के लिए आपकी हेल्प करेगा इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट डिवाइडेड बाय पी आई, राइट। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू, ये 80% मतलब कितना आ जाएगा, ये होगा 0.8। मतलब पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पर 0.8 टाइम्स पी आई। अच्छा आउटपुट पावर क्या होता है, ई एस इंटू आई एस। इनपुट पावर क्या है आपका, वो है ई पी इंटू आई पी। तो ई एस है 440 वोल्ट, आई एस है 0.8, ई पी क्या है 220, आई पी आपको फाइंड करना है। तो ये 220, 440 चला गया, बचा तो कितना, दो। तो दो इंटू ये क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 और ये आएगा 0.2, 0.2 मतलब 1/5, तो लेफ्ट में जाएगा तो 5 एम्पियर आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन, राइट।